जयपुर में गुर्जर की थड़ी से महेश नगर के बीच बुधवार रात मुख्य सड़क 30 फीट पर गहरा खड्डा होने से एक बार के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ। समय रहते ही स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से लोगों को रोकना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर महेश नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो दिन से यहां पर एक होल दिखाई दे रहा था। निगम को इसे लेकर कई बार सूचना दी गई, लेकिन निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बुधवार शाम को हुई तेज वर्षा के कारण सड़क पर हुआ होल बड़ा होता गया। स्थानीय लोगों को जब इस होल के से बड़ी घटना होने के संभावित लगी तो उन्होंने अपने स्तर पर यहां पर ट्रैफिक रोका। शाम करीब 7 बजे यहां पर होल बड़ा होता गया और एकाएक सड़क जमीन में धस गई। इसके बाद निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मिट्टी के कट्टे डालना शुरू किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस विषय को लेकर कई बार बोल चुके हैं कि जयपुर शहर में सीवर लाइन को बिछाए हुए 30 साल से अधिक हो चुका है, ऐसे में नई मजबूत लाइन डालने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी निगम और JDA इस विषय को लेकर काम नहीं करते जिससे इस तरह के हादसे होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वाहनों से बहती सड़क पर एकाएक इस तरह के हादसे बताते हैं कि जिम्मेदार अपने AC कार्यालयों से निकलना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।